नीतीश कुमार उन समाजवादी विचारधारा वाले दिग्गजों में हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से हुई और फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार भी चलाई, बाद में भाजपा के भी साथ हुए और खिलाफ में ताल भी ठोकी। इसे आप एक अस्थिर रणनीति कह सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे हमेशा सत्ता की रेस में सबसे आगे रहने का मकसद ऊपर रहा। इसी वजह से नीतीश का बिहार की राजनीति में चाणक तक कह दिया गया, लेकिन दिल्ली की सियासत में वे किस फॉर्मूले से भाजपा को मुश्किल चुनौती दे पाएंगे, इस पर अटकलें गर्म। ये सियासी पर्यटन है या फिर 2024 के चक्रव्यूह की चाणक्य चाल? दो दिन में नीतीश कुमार ने विरोधी दलों के तमाम दिग्गजों के दर पर दस्तक दी, किसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई, किसी से गले मिले, किसी से हाथ मिलाया, किसी को फूल दिया, तो किसी के साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खाया। लेकिन यूपी के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में है ये तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव का हाल जान रहे हैं। इसमें नीतीश अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ यूपी में सहयोगी दलों का गुलदस्ता सजाया था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार दिल्ली वाली लड़ाई में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव से 45 मिनट की मुलाकात के बाद अखिलेश को लेकर नीतीश कुमार ने जो कहा वो भी कम दिलचस्प नहीं। सब बात तबीयत खराब है, हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही एक ही व्यू है। अखिलेश का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या चर्चा है भाई साहब? यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी जान लीजिए। तो क्या नीतीश चाहते हैं कि अखिलेश यूपी में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी भूमिका की चर्चा परवान पर है? अखिलेश यादव ने नीतीश के बयान के ठीक बाद कहा कि हम साथ साथ हैं। अखिलेश यादव नीतीश कुमार को इस मुलाकात के बाद कार तक छोड़ने आए, एक दूसरे के प्रति आभार जताया। देश भर में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की नीतीश की तरह ही बड़ी कोशिश ममता दीदी ने भी की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाना इतना आसान साबित नहीं हुआ। अब नई मुहिम के अगुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त कर भाजपा विरोधी खेमे से तालियां बटोरी थी, तो अब नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ने की वजह से विपक्षी नेताओं की आंखों का तारा बने हुए हैं। तो पहले जब ये आ गए थे जी, तो उस समय हम दिल्ली आए थे, इनसे मिले ही थे, और अब तो आप लोगों को बता ही दिया कि जब हम अलग हो गए उन लोगों से, तो उन्होंने भी फोन करके कहा ठीक किया, तो वही जब हम यहाँ पर आए हैं तिनका दर्शन करने मिलने आए हैं, और कोई बात नहीं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीएम के दफ्तर पहुंचकर सीताराम येचुरी के साथ खास मीटिंग की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। यंगर एज से एक संबंध है, और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे, आप लोग नहीं देखे हैं कभी। अब हम लोगों की पूरी की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार के इन मुलाकातों वाले मास्टर स्ट्रोक पर भाजपा चुभते हुए हमले बोल रही है।
नीतीश कुमार भले ही पूरे देश में अब भाजपा विरोधी अभियान के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में, लेकिन खुद उन्हें अपने खिलाफ पुराने सहयोगियों के चुभते हुए हमले झेलने पड़ रहे हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का जो पहला कार्ड चला है, क्या उसके सहारे एक बड़ी रणनीति की जमीन तैयार हो पाएगी? इस सवाल का जवाब अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, जब नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ अपने फाइनल प्लान का ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।